साथियों, धैर्य हम भारतीयों की पहचान है, लेकिन अब हम अधीर है देश के विकास के लिए। 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि। और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। वी आर चैलेंजिंग अवर सेल्व्स, वी आर चेंजिंग अवर सेल्व्स। क्यों? हमारे लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है, उतना ही ईज ऑफ लिविंग का भी। और उसका रास्ता है एम्पावरमेंट। जब देश का सामान्य मानवी एम्पावर होगा तो देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं आपको आज एक उदाहरण देता हूं। साथियों, आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। आप ह्यूस्टन के लोग, ऑयल की जब बात आती है तो इसका मतलब भली भांति जानते हैं। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। इंडस्ट्री फॉर 4.0 का तो सारा फोकस ही डेटा पर है। अगर पूरी दुनिया में, जरा गौर से सुनिए, अगर पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्ध है तो वो देश है भारत। आज भारत में 1 GB डेटा की कीमत है सिर्फ 25 to 30 सेंट के आसपास, यानी $1 का भी चौथाई हिस्सा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 1 GB डेटा की वर्ल्ड एवरेज की कीमत इससे 25 से 30 गुना ज्यादा है। ये सस्ता डेटा भारत में डिजिटल इंडिया की एक नई पहचान बन रहा है। सस्ते डेटा ने भारत में गवर्नेंस को रीडिफाइन भी किया है।
आज भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की करीब करीब 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है,
इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ जाएगा राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। थैंक यू दोस्तों। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनने में 2 से 3 महीने लगते थे, अब 1 हफ्ते से भी कम समय में पासपोर्ट घर आ जाता है। पहले वीजा को लेकर किस तरह की दिक्कतें थी ये शायद आप ज्यादा जानते हैं। आज यूएस भारत के ई वीजा फैसिलिटी के सबसे बड़े यूजर्स में से एक है। साथियों, एक समय था जब नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते थे, अब 24 घंटे में नई कंपनी रजिस्टर हो जाती है। एक समय था जब टैक्स रिटर्न भरना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था, टैक्स रिफंड आने में महीनों लग जाते थे। अब जो बदलाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस बार 31 अगस्त को एक दिन में, मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में करीब 50 लाख यानी 5 मिलियन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरा है। यानी सिर्फ एक दिन में ही
50 लाख रिटर्न यानी ह्यूस्टन की कुल पॉपुलेशन के भी डबल से ज्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो टैक्स रिफंड महीनों में आता था वो अब हफ्ते 10 दिन में सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। साथियों, इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी, लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे, एल्लाम सौ कियम। सर्वच्छान चल आए, सब खूब भालो, सबु भल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन भारत की कुछ अलग अलग भाषाओं में हमारी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बहुत बड़ी पहचान है। ये हमारी भाषाएं सदियों से हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां सह अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है। और साथियों, सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारे देश में अलग अलग पंथ, दर्जनों संप्रदाय, अलग अलग पूजा पद्धतियां, सैकड़ों तरह का अलग अलग क्षेत्रीय खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग मौसम ऋतु चक्र इस धरती को अद्भुत बनाते हैं। विविधता में एकता, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी विशेषता है। भारत की यही डायवर्सिटी हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का आधार है।
यही हमारी शक्ति है, यही हमारी प्रेरणा है। हम जहां भी जाते हैं डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी के संस्कार साथ साथ लेकर के साथ चले जाते हैं। साथियों, आज भारत पहले के मुकाबले और तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। आज भारत कुछ लोगों की इस सोच को चैलेंज कर रहा है, जिनकी सोच है कुछ बदल ही नहीं सकता है। बीते 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों ने मिलकर हर क्षेत्र में ऐसे नतीजे हासिल किए हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। We are aiming high, we are achieving higher. भाइयों और बहनों, 7 दशकों में देश का रूरल सैनिटेशन 38% पहुंचा था। 5 साल में हमने 11 करोड़ यानी 110 मिलियन से ज्यादा शौचालय बनवाए। आज रूरल सैनिटेशन 99% पर है। देश में कुकिंग गैस कनेक्शन भी पहले 55% के करीब था, 5 साल के भीतर भीतर हमने इसे 95% पहुंचा दिया। सिर्फ 5 साल में हमने 15 करोड़ यानी 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में रूरल रोड कनेक्टिविटी यह भी पहले सिर्फ 55% थी, 5 साल में हम इसे 97% तक ले गए। सिर्फ 5 साल में हमने देश के ग्रामीण इलाकों में 2 लाख किलोमीटर यानी 200,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है। भारत में 50% से भी कम लोगों के बैंक अकाउंट थे, आज 5 साल में लगभग 100% परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। 5 साल में हमने 37 करोड़ यानी 370 मिलियन से ज्यादा लोगों के नए बैंक अकाउंट खुलवाए हैं।